React Native एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है इसका यूज आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए किया जाता है React Native के एडवांटेज और डिसएडवांटेज नीच दिए गए हैं एडवांटेजेस ऑफ़ रियक्ट नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट रियक्ट नेटिव एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है डेवलपर्स एक ही कोड बेस से आईओएस और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशंस डिवेलप कर सकते हैं ईस्ट डिवेलपमेंट टाइम और कॉस्ट दोनों रिड्यूस होते हैं नेटिव परफॉर्मेंस रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस नेटिव एप्लीकेशंस जैसे ही बिहेव करते हैं इसका यूज नेटिव कंपोनेंट्स के साथ किया जाता है जिससे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है हॉट रीलोडिंग, रिएक्ट नेटिव के हॉट रीलोडिंग फीचर से डेवलपर्स कोड को लिव देख सकते हैं जिसे डेवलपमेंट प्रोसेस में टाइम की सेविंग होती है लार्ज कम्युनिटी रिएक्ट नेटिव एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसका यूज ग्लोबली किया जाता है इसकी लार्ज कम्युनिटी से डिवेलपर्स को सपोर्ट और सोल्यूशन ईजिली मिल जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट नेटिव Limited access to native APIS. Although React Native allows developers to access native APIS, there are certain APIS which are not available in React Native. In such cases, developers may need to write custom code or use third party libraries. Performance issues. Although React Native provides native performance, there can be performance issues if the application has complex and heavy animations or graphics. Debugging issues. Debugging can be difficult in React Native as it uses JavaScript, which is not a compiled language. As a result, there can be errors that are difficult to track down.